Good morning, students. Welcome to the SDPS online classes. This is class 4, subject essays, chapter 1, the Northern Mountains, part 2. In my previous video, I explained you about the location of the Northern Mountains that act as a Great Wall of India. And I also explained you about the highest mountain peak of the world, that is the Mount Everest, which is located in Nepal. Today, I am going to explain about you the second and the third highest peak of the world. So, let's begin the Mount Godwin Austin and Kanchenjunga. The second highest mountain peak in the world is K2, that is also known as Mount Godwin Austin, that is 8611 meter high, which is located in Karakoram range. And the third highest peak of the world and the highest Himalayan peak in India is Kanchenjunga, that is 8590 मीटर हाई, दैट इज लोकेटेड इन सिक्किम. यानी कि संसार की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2, जिसे हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी संसार की और भारत की पहली सबसे ऊंची जो चोटी है दैट इज कंचनजंगा, यहाँ सिक्किम में स्थित है. हिमालयाज एक्सटेंड यानी होता है विस्तार. हिमालयाज एक्सटेंड फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से लेके ईस्ट तक हिमालय का जो विस्तार है वो 2500 किलोमीटर है. द एवरेज विड्थ, एवरेज यानी होता है औसत, हिमालय की जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 250 किलोमीटर है. इट इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोर इन द ईस्ट, यानी ये वेस्ट में वाइड है और जैसे जैसे ईस्ट की ओर जाता है ये नेरो यानी कि सकड़ा हो जाता है. हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर हाइट. हाइट के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार हिमालय को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज हिमाद्री रेंज, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालयाज. सेकेंड इज हिमाचल रेंज, विच इज ऑल्सो नोन एज मिडल हिमालयाज. एंड द थर्ड इज शिवालिक रेंज, दैट इज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज. लुक एट दिस मैप. In this map, I am showing you the location of Himalayas. Look, this is Himalaya. This is from west to east 2500 kilometer. And its length and its width, you can see in west it is wider and in east it is narrower. And it is divided into 3 parallel ranges. So we are... Yes, Himalaya is divided into 3 ranges, 3 parallel ranges, that are Himadri, the greater Himalayas, Himachal, the middle Himalayas, and the Shivalik, that is lower Himalayas. So we are going to study one by one. Himadri, greater Himalayas, the northernmost range of Himalayas. Northernmost का मतलब है सबसे उत्तरी रेंज जो है हिमालय की, उसे हम ग्रेटर या अपर हिमालयस, क्योंकि सबसे ऊपर इसलिए हम अपर हिमालयस भी कहते हैं. इट इज द हाइएस्ट रेंज ऑफ हिमालयस. ये हिमालय की सबसे ऊंची रेंज है. रेंज यानी श्रृंखला है. ऑल द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज आर फाउंड इन दिस रीजन. हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, ये सभी इसी रेंज में पाई जाती है. ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, यानी एक्सट्रीम का मतलब है अत्यधिक, बहुत अधिक ठंड की परिस्थिति की वजह से देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन. यहाँ पर मुश्किल से ही वेजिटेशन यानी कोई वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जाते हैं. इट्स स्नो कवर्ड पीक्स गिव बर्थ टू ग्लेशियर स्लो मूविंग आइस. यहाँ के जो स्नो कवर्ड पीक्स है यानी कि बर्फ से कवर्ड जो चोटियां हैं, ये ग्लेशियर्स यानी कि जो हिम नदियां हैं उनको जन्म देती है. हिम नदी का मतलब है स्लो मूविंग आइस, यानी बहुत धीमी गति से बहने वाली आइस की नदी. सम ऑफ दीज ग्लेशियर्स आर द सोर्सेज ऑफ बिग रिवर्स. इनमें से जो कुछ ग्लेशियर्स हैं, कुछ हिम नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियों के सोर्सेज हैं, जैसे कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर शोन ग्लेशियर्स. As the ice melts in the lower ranges, it is changed into a fast flowing river. और melt का मतलब होता है पिघलना. जैसे जैसे बर्फ पिघलता है निचली श्रेणियों में, यह बहुत तेज गति से बहने वाली नदियों में बदल जाता है. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हिमाचल, लेसर और मिडिल हिमालयाज. इट इज द मिडिल रेंज ऑफ हिमालयाज. ये हिमालय की मिडिल रेंज है. इसके ऊपर हिमाद्री और इसके नीचे शिवालिक यानी बीच में स्थित है. देयर आर सेवरल ब्यूटीफुल हिल स्टेशन. यहाँ पर कई सारे बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है. सेवरल का मतलब है अनेक. इन दिस रेंज, इस श्रृंखला के अंदर, जैसे मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, श्रीनगर, डलोजी, अल्मोड़ा एटसेट्रा. और आई होप आप में से कई सारे बच्चों ने इनमें से कई सारे प्लेसेस विजिट भी किए होंगे. द वेदर इन दीज हिल स्टेशन इज वेरी प्लीजेंट ड्यूरिंग समर. और ये जो हिल स्टेशन से यहाँ पर जो वेदर है, गर्मी के मौसम में वेरी प्लीजेंट, बहुत ही सुहावना होता है.
many people from the plains come here to escape from the heat of plains during summer. और भारत की जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर से कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं escape यानी बचने के लिए गर्मी के मौसम की गर्मी से. These ranges are covered with tall trees of pine, चीड़, देवदार etc. और ये जो ranges है, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पाइन, चीड़, देवदार आदि के पेड़ों से कवर्ड है, यानी आच्छादित है. There are small beautiful valleys in this region. और इस क्षेत्र में बहुत ही सुंदर सुंदर कई सारी वैलीज है. वैलीज यानी होता है घाटी. वैली क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच में जो प्लेस होता है, दैट इज नोन एज वैली. यू कैन सी ऑर्चार्ड्स ऑफ एप्पल्स, पियर्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स एटसेट्रा इन दिस वैलीज. और ऑर्चार्ड यानी होता है फलों के बगीचे. आप इन क्षेत्रों में एप्पल्स के यानी सेब के, पियर्स नाशपाती के, चेरीज के, एप्रिकॉट यानी खुबानी आदि के फलों के बगीचे देख सकते हैं इन घाटियों में. तो कुल्लू इन मनाली वैलीज इन हिमाचल प्रदेश आर फेमस टूरिस्ट सेंटर्स. और हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू और जो मनाली वैली है वो बहुत ही सुंदर आकर्षण केंद्र है पर्यटनों के लिए, पर्यटकों के लिए. अब हम बढ़ते हैं थर्ड रेंज शिवालिक, जिसे हम आउटर हिमालयस कहते हैं. दिस इज द लोवेस्ट रेंज ऑफ हिमालयस. इस हिमालय का सबसे निचला रेंज है. दिस रीजन गेट्स मोर रेन एंड द वेदर इज कंपेरेटिवली वार्मर. और इस क्षेत्र में बाकी के दो क्षेत्रों हिमाद्री और हिमाचल के कंपेरिजन में बहुत अधिक बारिश होती हो और वेदर जो है कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से गर्म होता है. सॉइल स्लोप्स यानी कि मिट्टी के जो ढलान है आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. वे बहुत ही घने जंगलों से, थिक यानी होता है घने जंगलों से कवर्ड है. एंड आर होम ऑफ मेनी वाइल्ड एनिमल्स. और ये कई सारे जंगली जानवरों के आवास स्थल यानी घर भी हैं. शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालयाज इज एन अर्थक्वेक प्रोन जोन. अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप प्रोन यानी प्रभावित जोन यानी क्षेत्र. यानी हिमालय की जो शिवालिक रेंज है ये अर्थक्वेक प्रभावित क्षेत्र, यानी पे अक्सर यहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं. आई होप आपको इस वीडियो में जो मैंने समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.